उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को बढ़ाने की योजना पर लगातार काम किया जा रहा है। योगी सरकार की ओर से प्रदेश की सबसे बड़ी गंगा एक्सप्रेसवे की योजना पर काम शुरू कराया गया है। इसके अलावा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के यूपी में चलने वाले कार्य की गति भी तेज की गई है। सीएम योगी के शहर गोरखपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेस को कनेक्ट करने वाले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के कार्य की गति भी तेज कर दी गई है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना का अपडेट सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे के 73% निर्माण कार्य को पूरा करा लिया गया है। 27% निर्माण की योजनाओं को अगले 6 माह में पूरा करा लिए जाने का भी दावा किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि एक्सप्रेसवे पर हुए वर्क और अन्य कार्यों को इस बरसात में मजबूती मिल जाएगी। इसके बाद एक्सप्रेसवे के टॉप का निर्माण कार्य पूरा कराया जाना शुरू हो जाएगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद पूर्वांचल के एक बड़े क्षेत्र के लोगों को लखनऊ पहुंचने में बस 3.5 घंटे का समय लगेगा। इसके अलावा दिल्ली से लेकर आगरा तक के शानदार सफर का आनंद लोग ले सकेंगे। साल के अंत तक 91 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक को शुरू करा दिया जाएगा। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ बिजनेस कॉरिडोर के निर्माण की भी योजना है। यूपी सरकार की ओर से इसके लिए 200 करोड़ के बजट का आवंटन किया गया है। इंडस्ट्रियल यूनिट की स्थापना के साथ ही वेयर हाउस के निर्माण भी कराए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। रियल एस्टेट मार्केट में भी उछाल आने की उम्मीद की जा रही है। लखनऊ से गोरखपुर जाने के लिए अभी लोग 2 रास्तों का उपयोग कर सकते हैं। NH-27 के जरिए दोनों शहरों की दूरी करीब 269 किलोमीटर है। इस सड़क से यात्रा पूरी करने में 5 घंटे का समय लगता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए गोरखपुर से लखनऊ की दूरी 321 किलोमीटर है। इसमें 5.5 घंटे का समय लगता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बन जाने से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इससे दोनों शहरों के बीच दूरी भी घट जाएगी और यात्रा में 5.5 घंटे की बजाय 3.5 घंटे ही लगेंगे। यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार 22 जून 2023 तक लिंक एक्सप्रेसवे का 73% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी आजमगढ़ जिले के सालारपुर गांव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होंगे। लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर जिले के जैतपुर गांव से शुरू होता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ जिले से होकर गुजरेगा। इस लिंक एक्सप्रेसवे को वाराणसी के साथ एक अलग लिंक रोड के जरिए जोड़ा जाएगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से गोरखपुर और आजमगढ़ के बीच मोबिलिटी काफी तेज हो जाएगी। इससे लोगों को काफी सुविधा मिल जाएगी। बता दें कि जल्द ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अगले 2 से 3 वर्षों में इसके नए स्वरूप को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर यात्रियों और शहरवासियों की सुविधाजनक यात्रा के लिए पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए 693 करोड़ के बजट की भी मंजूरी दी गई है।